हेलो, पे अटेंशन, टन टन। जैन काजी की मम्मा की तरफ से मेरे उन तमाम प्यारे प्यारे बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो क्या टेंशन है जनाब, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि ऐसे ही मज़ेदार चटपटी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँ। अब जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, मैं सारे इन्ग्रीडियंट मैंशन है, और लाइक भी कर दीजिए। अब मैंने क्या किया, एक पैन में 2 गिलास पानी ले लिया और उसके बाद मेरे पास एक स्टीमर है, उसको मैंने कवर किया किसी भी पॉट के ऊपर। सारे चिकन हम डाल देंगे इस स्टीमर के ऊपर और इसको हम एक उबाल लाएंगे हाई फ्लेम पे, ताकि स्टीम बन जाए, और कवर कर देंगे, ठीक है। और थोड़ी देर तक जब हम देखेंगे कि स्टीम बन चुकी है इसकी और ये अच्छे तरीके से आपको इसका कलर चेंज होता हुआ नज़र आ जाएगा स्टीम से, तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे, सारे चिकन को हम टर्न कर देंगे। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी और बहुत ही जूसी और ज़बरदस्त से स्टीम रोस्ट बने थे ये। ये देखिए, एक साइड हम देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है। अब हम इनको वन बाय वन सबको टर्न कर देंगे और जब आप लोग खाएंगे ना तो सब कहने पे मजबूर हो जाएंगे, अरे ये तो वही है जो हमने अपने भाई के वलीमे में खाए थे, ज़बरदस्त से स्टीम रोस्ट। अरे हो जाओ टर्न, अरे ये लगता है चिकन मुझसे नाराज़ हो गई, नहीं टर्न हो रही मेरे से, चले हम किसी और को टर्न कर लेते हैं जी। तो सारे चिकन को अच्छे से टर्न कर लीजिए और फिर से इसको कवर कर दीजिए, ताकि सेकेंड साइड भी अच्छे से टर्न, जब ये अच्छे तरीके से गल जाए पूरे दोनों तरफ से 15 से 20 मिनट्स में, उसके बाद इसको हाई फ्लेम पर ऑयल रख के बस हमने ऑयल में डालना है और दूसरा टर्न करके निकाल लेना है ब्राउन करने तक। दैट्स इट, 1 सेकंड के लिए हम इसे डालेंगे और ऑयल में निकाल लेंगे, दैट्स इट। ये देखिए, लजीज, जूसी, मज़ेदार, चटपटी, डिलीशियस स्टीम एंड फ्राइड रोस्ट रेडी हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसी के साथ जैन काजी की मम्मा को दीजिए इजाज़त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी और फनी कॉमेंट्री के साथ और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। और इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाज़त और इन्जॉय कीजिए, खुद भी खाइए, सबको खिलाइए। अल्लाह हाफिज़।